नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्य और उनके दिलचस्प तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी जिले के उत्तर पूर्वी किनारे पर समुद्र तट के करीब स्थित है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोणार्क शब्द कौन और अर्क दो शब्दों के मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कौन से अभिप्राय कोने या किनारे से रहा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है, जो भारत के ओडिशा राज्य के कोणार्क में स्थित है। कोणार्क मंदिर को सबसे पहले समुद्र के किनारे बनाया गया था, लेकिन समुद्र धीरे धीरे कम होता गया और मंदिर भी समुद्र के किनारे से थोड़ा दूर हो गया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोणार्क सूर्य मंदिर को गहरे रंग के कारण इसे काला पगोड़ा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर पूर्वी गंगा साम्राज्य के महाराजा नरसिंह देव प्रथम ने 1250 ईस्वी में बनवाया था। यह मंदिर बहुत ही बड़े रथ के आकार में बना है, जिसमें कीमती धातुओं के पहिए, पिलर और दीवारें बनी है। मंदिर के पहिए धूप घड़ी का काम करते हैं, जिसकी सहायता से हम दिन रात दोनों ही समय में सही समय का पता लगा सकते हैं। मंदिर का मुख्य भाग आज विनाश के कगार पर है। आज यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, और साथ ही यह मंदिर भारत के 7 आश्चर्यों में भी शामिल है। अगर दोस्तों हम इस मंदिर के पौराणिक महत्व के बारे में बात करें, तो यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित था, जिन्हें स्थानीय लोग बीरंची नारायण कहते हैं। पुराणों के अनुसार कृष्ण के पुत्र सांब को शराब से कोड का रोग हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस शराब से बचने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करने की सलाह दी थी। सांब ने मित्र वन में चंद्रभागा नदी के सागर के संगम पर कोणार्क में 12 वर्ष की तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया। सूर्य देव जो सभी रोगों के नाशक थे, सूर्य देव ने सांब के रोग का भी अंत किया। और दोस्तों, अगर हम इतिहासकारों के अनुसार बात करें, तो कई इतिहासकारों का कहना है कि कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता राजा नरसिंह देव प्रथम की अकाल मृत्यु के कारण मंदिर का निर्माण कार्य अधूरा रह गया। इसके परिणाम स्वरूप अधूरा ढांचा ध्वस्त हो गया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बात को ऐतिहासिक आंकड़ों का समर्थन नहीं मिलता है। पुरी के मदनपंजी के आंकड़ों के अनुसार और कुछ 1278 ईस्वी के ताम्र पत्रों से पता चला है कि राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1282 ईस्वी तक शासन किया था। इसके अलावा कई इतिहासकार इस मत के भी हैं कि कोणार्क मंदिर का निर्माण 1253 से 1260 ईस्वी के बीच हुआ था। अतएव मंदिर के अपूर्ण निर्माण का इसके ध्वस्त होने का कारण होना तर्क संगत नहीं है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कामुकता को एक नई परिभाषा देता है। यहाँ बनी मूर्तियों में बड़ी ही खूबसूरती के साथ काम और सेक्स को दर्शाया गया है। यहाँ की बनी मूर्तियां पूर्ण रूप से यौन सुख का आनंद लेते हुए दिखाई गई है। दोस्तों, मजेदार बात यह है कि इन मूर्तियों को मंदिर के बाहर तक ही सीमित किया गया है। ऐसा करने के पीछे कारण बताया जाता है कि जब भी कोई मंदिर के गर्भगृह में जाए, तो वह सभी प्रकार के सांसारिक सुखों और मोह माया को
मंदिर के बाहर ही छोड़ के आए। कोणार्क मंदिर के बारे में एक मत के लोग यह भी कहते हैं कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती है। अगर कोणार्क के पुराने लोगों की बात माने तो आज भी यहाँ आपको शाम में उन नर्तकियों की पायल के झनकार सुनाई देगी जो कभी यहाँ के राजा के दरबार में नृत्य करती थी। कोणार्क मंदिर की सबसे खास बात यह है कि दोस्तों यहाँ पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती इस मंदिर की पूजा? एक तरफ जिसे मंदिर कहा जाए वहीं पूजा न हो यह भी एक किसी अचंभे से कम नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों की अगर माने तो आज तक इस मंदिर में कभी भी पूजा नहीं हुई है और इस बात को लेकर कहा जाता है कि मंदिर के प्रमुख वास्तुकार के पुत्र ने उसके पिता को मृत्युदंड सुनाने के बाद वास्तुकार के पुत्र ने इस निर्माणधीन मंदिर के अंदर ही आत्महत्या कर ली, जिसके बाद इस मंदिर में पूजा या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह मंदिर अपने वास्तु दोषों के कारण मात्र 800 वर्षों में ही ध्वस्त हो गया। यह इमारत वास्तु नियमों के विरुद्ध बनी थी। मंदिर का निर्माण रथ आकृति पूर्व दिशा में और आगे में ईशान कोण खंडित हो गए हैं। तो दोस्तों आपका इस मंदिर के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।